वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त भी होंगे। तो आ गई हूँ मैं एक बार फिर से आप लोग के लिए न्यू रेसिपी लेके। जी हाँ, न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। और ये वाली रेसिपी आप लोग ट्राई करेंगे ना तो सच मानिए दीवाने हो जाएंगे। तो कौन सी है रेसिपी, चलिए बनाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि इस तरह की वीडियो आपको कैसी लगती है। मैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ दोस्तों, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए और अनसब्सक्राइब मत किया कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए बनाते हैं चटपटी सी रेसिपी जिसको खा के आप सब हो जाएंगे दीवाने। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैंने आलू को उबाल के उन्हें अच्छे से छील लिया है और आज मैं इन्हीं से ही एक चटपटा सा रेसिपी बनाने वाली हूँ जो आप लोग खाएंगे ना दीवाने हो जाएंगे। तो मैंने इन्हें अच्छे से छील लिया है। चटपटा आलू बनाने के लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं। तो देखिए मसाले में मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच जो है खड़ी धनिया लिया है, अपने हिसाब से आप लोग लीजिएगा। और उसके साथ ही 1/2 चम्मच जो है सौंफ लिया है मैंने अपने हिसाब से। उसके बाद 1 चम्मच जो है मैंने जीरा लिया है और 2 सूखी हरी मिर्च लिया है। तो इन सबको हम जो है हल्का सा रोस्ट करेंगे। इन्हें हमने कढ़ाई में हल्का सा जो है रोस्ट कर लिया था। अब मैं इन्हें जो खलबट्टा होता है जिसे उखली बोला जाता है तो इसमें मैं कूट लेती हूँ। आप चाहे तो इसे सिलबट्टे पे पीस सकते हैं बट मैं इसे कूटना चाहती हूँ, तो मैं इसे कूटूंगी तो इसलिए मैं इसको खलबट्टे में कूट रही हूँ। उसके बाद हम चटनी बनाने की तैयारी करेंगे इमली की। तो यहाँ पे मैंने इमली को 1 घंटे पहले ही भिगो दिया था तो अच्छे से भीग गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा साफ़ करेंगे पहले। तो यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया। मेरी दीवार को आप लोग देख रहे होंगे तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिएगा वॉलपेपर ख़राब हो गया है। और यहाँ पे मैंने जो है 1 चम्मच जो है रिफाइंड ऑयल लिया है और इसका हैंडल जो है ना थोड़ा कुकिंग करते समय जल गया था तो इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो गया है। तो जब मेरे 100 सब्सक्राइबर होंगे तब मैं लूँगी। और यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया है तो जीरा चटकने लगा। इमली की चटनी में ना जीरा का डालना बहुत ही कंपलसरी होता है, तभी वो इमली की चटनी का स्वाद आता है। तो ये देखिए मैं इसे थोड़ा दूर डाल रही हूँ क्योंकि मेरा पैन थोड़ा वो है। यहाँ पे मैंने इमली ऐड कर दिया जो मैंने भिगो के रखी थी, उसे अच्छे से मीच के। और यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है, आप अपने हिसाब से पानी डालिएगा। और इसे गैस के फ्लेम को मैंने थोड़ा धीमा रख दूँगी ताकि ये धीमे धीमे अच्छे से पकता रहे। और जब भी आप इमली की चटनी बनाएं ना तो याद रखिएगा कि उसमें रेसे ना हो, क्योंकि इमली की जो होता है ना उसमें थोड़े से रेसे होते हैं तो उन्हें आप अच्छे। तो ये देखिए हमारी इमली की चटनी में ना सफ़ेद सफ़ेद जैसे बबल्स होते हैं ना वो आने लगे। तो यहाँ पे मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं पूरे 1 चम्मच जो है पीसा हुआ लाल मिर्च ऐड करूँगी। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं इमली की चटनी में, बट ये डालना ना बहुत अच्छा स्वाद आता है इसलिए मैं हमेशा डालती हूँ इसे। और गैस के फ्लेम को मैंने स्लो रखा है। और यहाँ पे मम्मी ने जो है चुटकी भर सौंठ डाल दिया है। सौंठ डालने से इमली की चटनी का स्वाद दुगना हो जाता है और देख के उबलने लगा है अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे मैं गुड़ ऐड करूँगी। मैंने 2 बड़े गुड़ लिए हैं, मीडियम साइज़ के गुड़ लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पर चीनी भी डाल सकते हैं बट मैंने चीनी तो नहीं डाला है, मैंने गुड़ से ही काम चलाया। गुड़ डालने से चीनी इमली की चटनी का स्वाद जो होता है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए मैं पैनी में पका रही हूँ, आप चाहे तो किसी और बर्तन में पका सकते हैं। इमली की चटनी तो बन गई थी, अब हम आते हैं अपने आलू की तरफ जिन्हें मैं इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। आज हम इन्हीं का बनाएंगे कच्चा आलू। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है पीसा हुआ लाल मिर्च डाला है, 1/2 चम्मच से डाला है, आप चाहे तो मत डालिएगा। पर आज मैं जो बनाने वाली हूँ आलू का कच्चा आलू बनाने वाली हूँ, एकदम चटपटा मसालेदार कि खाते ही मज़ा आ जाए। आप लोग इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैं और यहाँ पे मैं डालूँगी 1 चम्मच जो है भुना हुआ जीरा मैंने ऐड किया है इसमें। आप चाहे तो काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये चटपटा सा जो नाश्ता है ना आपको जब बनाऊँगी मैं तो मुंह में आपके पानी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच जो है काली मिर्च, पीसी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ वहाँ पे मैं। और यकीन मानिए वाली रेसिपी बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। इसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, मैंने ऐड किया है यहाँ पे।
और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, एकदम मुंह में पानी आने लगता है इस तरह की रेसिपी बनाने में। मैं आपको एक 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 स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है ना नमक डाला है, स्वाद अनुसार नमक डाला है। आप लोग जब भी कचालू बनाएं तो स्वाद अनुसार ही नमक डालें, क्योंकि बहुत आप चाहे तो भुना हुआ मसाला भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे भुना हुआ जो मैंने मसाला डाला था ना, कूट के रखा था, वो वाला मसाला ऐड करेंगे जो हम लोगों ने मसाला कूटा था, धनिया, खड़ी धनिया, पिसा हुआ लाल मिर्च, तो उन सबको भी यहाँ दे देखे यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। इसको डालने से ना स्वाद दुगना आ जाता है। और ये देखिए मैंने सारा ही ऐड कर दिया है, क्योंकि रखने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो इसलिए मैंने सारा ऐड कर। इन सब मसालों के बाद हम यहाँ ऐड करेंगे अपनी बनाई हुई चटनी। जी हाँ, इमली की चटनी ऐड करेंगे यहाँ पे हम बनाई हुई, जी एकदम टेस्टी टेस्टी और यमी यमी है। तो यहाँ पे भी मैं इसे ऐड कर दे रही हूँ, यकीन मानिए बहुत ही अच्छा बनता है। इस तरह उबले ही हुए आलू का चाट बना के, आप चाहे तो कचालू भी बोल सकते हैं या इसे आलू की चाट भी बोल सकते हैं, भुना हुआ जीरा, चाट मसाला, पिसा हुआ लाल मिर्च डाला है और खड़ा मसालों को कूट के मैंने डाला। उसके बाद यहाँ पे हम धनिया से इसे थोड़ा सा सजा देंगे ताकि ये देखने में और भी चटपटा मसालेदार लगे। तो आप लोग को मुँह में पानी आया कि नहीं आया मुझे कमेंट में बताइएगा। सच मानी बहुत अच्छा बनता है। मार्केट में तो मैंने ऐसे ही देखा है बिकते हुए, बट मैं मार्केट का कभी नहीं खाती, बस मैंने देखा है, तो इसलिए मैं खुद घर पे बनाती हूँ और घर पे ही खाती हूँ, क्योंकि मैं मार्केट का जल्दी कुछ नहीं खाती हूँ, घर पे ही बनाती हूँ, घर पे ट्राई करती हूँ, घर पे ही सबको खिलाती हूँ। तो आप लोग को ये वाली रेसिपी कैसी लगी? तो अब देखिए इस पर मैंने फिर से इमली की चटनी डाल दी ताकि ये और थोड़ा सा यमी और टेस्टी सा बन जाए। और ये देखिए एकदम चटपटा था। अब इन सब मसालों को हम ना एक साथ मिलाएंगे भी, तो आप लोग वो ये वाली रेसिपी घर में ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। आप लोग के घर में जो आलू नहीं खाता होगा ना, वो आलू का दीवाना हो जाएगा, यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनती है, ज़्यादा कोई मसाला नहीं है। मैं एक बार फिर से मसाला को आपको याद करा दे रही हूँ, चाट मसाला है, पीसी हुई भुना हुआ मतलब भुना हुआ जीरा है इसमें, और पिसा हुआ लाल मिर्च है, नमक है, आप चाहे तो काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं सारे मसालों को ऐड कर सकती हूँ। खड़ा मसालों को मैंने उन्हें हल्का सा रोस्ट करके पीस लिया था, बस वही मसाला मैंने इसमें डाला, बाकी कुछ भी नहीं डाला, ना हल्दी पाउडर, ना गर्म मसाला, कुछ भी नहीं। ये देखिए बनके तैयार है हमारी आलू वाली चाट। जी हाँ, आलू वाली चाट कैसी लगी? मुँह में पानी आया कि नहीं आया कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग को इस तरह की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको आलू की चाट कैसी लगी। आई होप आप लोग वीडियो को पसंद करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाया कीजिए, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रेसिपी को इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे। सब्सक्राइब किए बिना मत जाया कीजिए।